गाइस वेलकम बैक। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है ऑपरेशन ट्विलाइट पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अभी पार्ट 2 पे करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। राजनीति की इस लकीर के दोनों तरफ विदेशी महिलाओं के आने से सिक्किम की राजनीति और उसके अंतरराष्ट्रीय स्टेटस में कई बड़े बदलाव आने लगते हैं। काजिनी एलिसा मारिया की वजह से दिल्ली के राजनीतिक वर्ग में अब सिक्किम की प्रो डेमोक्रेसी आवाजों को सुना जाने लगता है। और उधर होप कुक के कॉन्टैक्ट्स के कारण अमेरिकन मीडिया में सिक्किम के चोग्याल को अच्छी खासी कवरेज मिलने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि अब अत्यंत ऊंचे राजनीतिक और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर सिक्किम के ऊपर खुल के चर्चा होने लगती है और चोग्याल की सिक्किम को अलग देश बनाने की मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ लेती है। सिक्किम में बुलंद हो रही इन आवाजों से नई दिल्ली का राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगता है और इसी के चलते सितंबर 1972 में भारत सरकार द्वारा चोग्याल के सामने एक अग्रीमेंट ऑफ परमानेंट एसोसिएशन प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अपनी अलग देश की मांग को दोहराते हुए चोग्याल इस एग्रीमेंट को सिरे से खारिज कर देता है। चोग्याल के साथ बातचीत विफल होने के ठीक 2 महीने बाद श्रीमती गांधी अपने 2 सबसे विश्वसनीय सलाहकारों पीएन हक्सर और पीएन धर के साथ एक अत्यंत सीक्रेट मीटिंग करती हैं, जिसमें आरएनडीडब्ल्यू के चीफ रामेश्वर नाथ काउ भी हिस्सा लेते हैं। इस मीटिंग में कोई आधे घंटे इधर उधर की बातें करने के बाद काउ की तरफ देखते हुए श्रीमती गांधी कहती हैं, काउ साहब टाइम आ गया है, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करेंगे, बट आई वॉन्ट सिक्किम टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री से आदेश मिलते ही सबसे पहले आरएन काउ अपने एक ऑफिसर पीएन बनर्जी को दिल्ली बुलवा लेते हैं। बनर्जी इस समय कलकत्ता में स्थित आरएनडीडब्ल्यू और आईबी के रीजनल ऑफिसेज को हेड कर रहे थे। वो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके थे और सिक्किम के राजनीतिक वर्ग में उन्होंने कई बड़े लोगों को आरएनडीडब्ल्यू का एसेट भी बनाया हुआ था। नई दिल्ली में काउ और बनर्जी सिक्किम के लिए अपना प्लान बनाने में लग जाते हैं, एक प्लान जिसके तहत चोग्याल को परमानेंट एसोसिएशन वाले समझौते पर साइन करने के लिए राजी किया जाना था और साइन होने के बाद कुछ भी करके उसका तख्ता पलट सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाना था। बनर्जी के सुझाव पर इस टीम में अजीत सिंह सयाली नाम के एक और आरएनडीडब्ल्यू ऑफिसर को शामिल कर लिया जाता है। इस समय सयाली गैंगटॉक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर पोस्टेड थे और तिब्बत के ऊपर ट्रांसबॉर्डर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार भी। श्रीमती गांधी के कहने पर उनके फॉरेन सेक्रेटरी केवल सिंह को भी आरएन काउ अपनी टीम में ले लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद क्रिसमस के दिन आरएनडीडब्ल्यू की ये पूरी टीम श्रीमती गांधी के साथ इंडिया इंग्लैंड का मैच देखने कोटला स्टेडियम आती है, जहां मैच के नतीजे को ले लड़ रहे बनर्जी और सयाली को टोकते हुए आरएन काउ कहते हैं, अरे बनर्जी साहब इंग्लैंड ही जीतेगी, बस करो और सब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मिशन के बारे में प्रधानमंत्री और हम लोगों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं चल सकता। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ लीक। अपने अपने एसेट्स को एक्टिवेट करो, ऑपोजिशन लीडर्स की कुंडली तैयार करो, ये लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने चक्कर चल रहे हैं और किसके साथ चल रहे हैं, सब कुछ पता करो। चोग्याल के वफादारों की एक लिस्ट बनाओ और अपने अपने इन्फॉर्मर्स को दो, जिसको भी मोल बनाया जा सकता है उसे टारगेट करो और हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ। एंड रिमेंबर जेंटलमैन, बी रुथलेस, बी अग्रेसिव, बट बी टैक्टफुल। और हाँ, एक आखिरी बात, दिस मिशन विल बी कॉल्ड ऑपरेशन ट्वाइलाइट। ऑपरेशन ट्वाइलाइट को लॉन्च करने के लिए आरएनडीडब्ल्यू को इससे अच्छी टाइमिंग नहीं मिल सकती थी, क्योंकि इस समय सिक्किम की हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। सामाजिक वर्गों के बीच आय का अंतर तेजी से गहरा हो रहा था और एक बौद्ध राजा के राज में सिक्किम के नेपाली हिंदू समुदाय को रोजाना भारी पक्षपात का सामना करना पड़ रहा था। इसके ऊपर से आग में घी डालते हुए चोग्याल समर्थकों द्वारा अभी कुछ समय पहले चुनाव में बड़ी धांधली की गई थी, धांधली जो चोग्याल के शाही ताबूत में आखिरी कील होने वाली थी। कहने का मतलब यह कि सिक्किम में विद्रोह की चिंगारी को हवा देने के लिए परिस्थितियां एकदम अनुकूल थीं। सभी समुदायों में अपनी लोकप्रियता के चलते काजी इस विद्रोह का एक स्वाभाविक चेहरा होने वाले थे। चोग्याल के विरुद्ध ये राजनीतिक युद्ध लड़ने के लिए सिक्किम नेशनल कांग्रेस के काजी और जनता कांग्रेस के केसी प्रधान आपस में हाथ मिला लेते हैं और इस तरह एक चोग्याल विरोधी गठबंधन जन्म लेता है, जिसे नाम दिया जाता है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, JAC। फरवरी के आखिरी हफ्ते में पीटर बर्ली नाम का एक अमेरिकन डिप्लोमेट चोग्याल से मिलने गैंगटॉक आता है
बर्ली समय कलकत्ता स्थित यूएस कॉन्सुलेट में कार्यरत था और होप कुक के आग्रह पर उसके पति से मिलने आया था। चोग्याल के साथ चली अपनी मीटिंग के बाद पीटर बर्ली शाही महल में एक रात गुजारता है और अगले दिन की सुबह ट्रेन से वापस कलकत्ता के लिए निकल जाता है, लेकिन कलकत्ता पहुंच नहीं पाता। जैसे ही उसकी ट्रेन बहरामपुर आकर रुकती है, आरपीएफ के कुछ सिपाही उसे ट्रेन से नीचे उतार स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाकर बिठा देते हैं। वो बार बार अपना आईडी कार्ड दिखा उनसे पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। और लगभग एक घंटे ऐसे ही सस्पेंस में रहने के बाद उसके कमरे में पीएन बनर्जी की एंट्री होती है। तो मिस्टर बर्ली, कैसा रहा चोग्याल के साथ आपका मीटिंग, कैसा रहा? सिगरेट के कश भर रहे बनर्जी के मुंह से सुन बर्ली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। Who the hell are you and what do you want from me? मिस्टर बर्ली, हमारा नाम पीएन बनर्जी एंड आई वर्क फॉर मिस्टर काओ, आरएन काओ। काओ का नाम सुनते ही बर्ली कांपना शुरू कर देता है, तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बनर्जी आगे कहते हैं, अरे नो नीड टू बी अफ्रेड मिस्टर बर्ली, हम तो बस ये जानना चाहता है कि वो चोग्याल के साथ आपका क्या बात हुआ हा? जैसे आप हमें सब कुछ बताएगा, हम आपको खुद कलकत्ता तक छोड़ के आएगा, आई प्रॉमिस। यू सी, हमको सब पता है। हमको पता है कि यू वर्क फॉर CIA हैं। असल में पीटर बर्ली CIA का एक अंडरकवर एजेंट था और कलकत्ता स्थित यूएस कॉन्सुलेट में एक पॉलिटिकल ऑफिसर के कवर में काम कर रहा था। अपनी असली पहचान बाहर आने के बाद भी बर्ली आनाकानी करना जारी रखता है, तो अपने चेहरे पर थोड़ी सी गंभीरता लाते हुए बनर्जी उससे आगे कहते हैं, अब आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे मिस्टर बर्ली, तो चलिए हम ही आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, ओके? आज से कोई 7-8 महीना पहले कोलकाता के पुलिस स्टेशन में एक बंगाली लड़की आया। मिस्टर बर्ली, उस बेचारी के साथ किसी ने गलत काम करने का कोशिश किया था और उस आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना चाहता था। उसने अपना रिपोर्ट लिखाया भी, लेकिन हम ही जानी ना फिर क्या हुआ, पुलिस के पास ऊपर से एक फ़ोन आया और उन्होंने उसका कंप्लेंट गायब कर दिया और उस बेचारा लड़की का मुंह में पैसा डाल के उसका मुंह भी बंद कर दिया। अब मजे का बात यह है मिस्टर बर्ली कि आप उस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है, बोलिए तो आपका उसके साथ मीटिंग करवा दूं, हाँ बताइए। पीटर बर्ली नाम का CIA ऑपरेटिव फूट फूट के रोना शुरू कर देता है और बहुत देर तक रोने के बाद बनर्जी के सामने सब कुछ तोते की तरह उगल देता है। मिस्टर बनर्जी, वो चोग्याल अपने खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है और अपने विरोधियों को दबाने के लिए हमसे यानी अमेरिका से मदद चाहता है। उसने कहा कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो उसके पास इंडियन गवर्नमेंट से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। बर्ली से सुन काफ़ी देर तक कुछ सोचने के बाद बनर्जी कहते हैं, और कोई बात मिस्टर बर्ली जो आपको लगता है कि हमको मालूम होना चाहिए? हाँ मिस्टर बनर्जी, वो चोग्याल काजी से भी मिल रहा है, दोनों के बीच कई सीक्रेट मीटिंग्स हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर बर्ली, अब आप जा सकता है, यू आर फ्री टू गो। अरे सुनो, साहब को छोड़ के आओ। ये सुनने के बाद जैसे ही बर्ली अपनी कुर्सी से खड़ा हो, पीछे पीटर बर्ली से मिले इंटेलिजेंस को पढ़ते ही आरएन काओ समझ जाते हैं कि अब काजी से मिलने का समय आ चुका है और इसी के साथ नई दिल्ली में ऑपरेशन का पहिया भी तेज रफ्तार से घूमने लगता है। सिक्किम में चोग्याल को कुर्सी से हटाने और डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए मार्च 1973 में PMO, RNDAW और विदेश मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। कई घंटों तक चली इस मीटिंग में लिए गए निर्णयों में से कुछ इस प्रकार थे। चोग्याल के विरुद्ध आंदोलन को तब तक बढ़ावा दिया जाएगा जब तक कि वो खुद भारत सरकार के सामने मदद की गुहार न लगाने लगे। इस बात की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी की जाएगी कि अपनी वंशावली के कारण चोग्याल के पास गद्दी पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सिक्किम के स्थानीय अखबारों में आंदोलन का भरपूर प्रचार किया जाएगा। जैसे ही आंदोलन आवेग प्राप्त करने लगेगा और राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, सिक्किम में भारतीय फौज को भेज दिया जाएगा। 4 अप्रैल 1973 को अपने 50वें जन्मदिन पर जब चोग्याल भाषण दे रहा होगा, तो उसके पैलेस के बाहर एक विशालकाय प्रदर्शन का आयोजन करवाया जाएगा। काजी समेत सभी एंटी चोग्याल नेता और पार्टियों को यह विश्वास दिलाया जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 1949 की तरह भारत सरकार उन्हें इस बार धोखा नहीं देगी और उन्हें जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी उतने पैसे उन्हें अवश्य दिए जाएंगे।
इस मीटिंग के अगले दिन से ही सिक्किम में ग्राउंड पर मौजूद आरएनडीडब्ल्यू की स्पेशल ऑपरेशंस टीम अपने काम पर लग जाती है। चार अप्रैल 1973 को जब चोग्याल अपना जन्मदिन मना रहा था, तब अचानक गैंगटॉक की दुकानों के शटर एक एक कर बंद होने लगते हैं, सड़कों पर छोटे मोटे दंगे शुरू हो जाते हैं और हजारों लोगों की एक भीड़ पैलेस के बाहर इकट्ठा हो चोग्याल के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देती है। इसी दिन रात को चोग्याल का बड़ा बेटा तेंजिंग बाहर से पार्टी करने के बाद पैलेस वापस लौट रहा था के रास्ते में उसे प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ द्वारा रोक लिया जाता है। तेंजिंग की सुरक्षा में तैनात सिक्किम गार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी घबराहट में एक गार्ड भीड़ के ऊपर फायरिंग ओपन कर देता है। चोग्याल और शाही परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सिक्किम गार्ड्स की इस फायरिंग में 6 लोग मारे जाते हैं। चोग्याल के आदमी इस घटना को दबाने का पूरा प्रयास करते हैं और वो ऐसा करने में शायद सफल भी हो जाते अगर शाही महल के अंदर एएसआई का एक इन्फॉर्मर काम न कर रहा होता। इधर सिक्किम गार्ड्स के हाथों 6 सिविलियंस मारे जाते हैं और उधर एएसआई को तुरंत इसकी जानकारी मिल जाती है। वो फटाफट काजी को फोन लगा इस घटना का पूरा पूरा फायदा उठाने की सलाह देते हैं। अगले कुछ घंटों के अंदर जेएसी के नेताओं के घर पैसों से भरे बैग्स पहुंचने लगते हैं और अगले दिन की सुबह होते होते गैंगटॉक की सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लगते हैं और दुकानों में लूटपाट की घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। काजी और जेसी के दूसरे नेता चोग्याल के ऊपर और भी ज्यादा कड़े प्रहार करने लगते हैं। पैलेस के बाहर खड़ी भीड़ जो अब तक हजारों में थी, देखते ही देखते लाखों में पहुंच जाती है और चोग्याल की आखिरी उम्मीद पीटर बर्ली भी अब उसका और उसकी पत्नी का फोन उठाना बंद कर देता है। चोग्याल समझ जाता है कि अब उसके पास अपनी राजगद्दी बचाने का केवल एक ही मार्ग है, नई दिल्ली से सहायता की गुहार लगाने वाला मार्ग। 9 अप्रैल के दिन काओ के कहने पर गैंगटॉक में पोस्टेड एक पीओ यानी के पॉलिटिकल ऑफिसर के एस बाजपाई अपने सेक्रेटरी गुरदीप बेदी को एक ड्राफ्ट लेटर के साथ पैलेस भेज देते हैं। भारत सरकार द्वारा लिखा गया ये ड्राफ्ट जिसे चोग्याल के लेटर हेड के ऊपर टाइप करवा उसके हस्ताक्षर करवाए जाने थे। इस कागज को लिए जब बेदी पैलेस के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी नजर गार्डन में बैठे चोग्याल के ऊपर पड़ती है जो चारों तरफ अपने सलाहकारों से घिरा हुआ था। गार्डन में पहुंच बेदी अपने दोनों हाथों से वो ड्राफ्ट चोग्याल को थमा देते हैं और इसको पढ़ने के बाद गुस्से के मारे चिल्लाता हुआ चोग्याल पैलेस के अंदर चला जाता है। सिक्किम के चोग्याल का यह गुस्सा बेवजह नहीं था। भारत सरकार द्वारा भिजवाए गए इस कागज के टुकड़े पर बातें ही कुछ ऐसी लिखी हुई थीं। इस ड्राफ्ट के अनुसार क्योंकि सिक्किम में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, इसलिए अब सिक्किम का प्रशासन भारत सरकार के नियंत्रण में होने वाला था और चोग्याल के आदेश पर अब से सिक्किम गार्ड्स और पुलिस कमिश्नर इंडियन आर्मी की माउंटेन डिवीजन को रिपोर्ट करने वाले थे। कई बार पैलेस के अंदर बाहर चक्कर लगाने के बाद चोग्याल का एक एडवाइजर बेदी से कहता है कि महाराजा साहब इस लेटर पर साइन करने को तैयार हैं, बस उनकी एक छोटी सी शर्त है, वो ये कि कृपा करके मिसेस गांधी सिक्किम गार्ड से उनका कंट्रोल न छीने। इस समय पैलेस की सारी टेलीफोन लाइंस डेड पड़ी हुई थी और बाहर प्रदर्शन भी उग्र रूप लेता जा रहा था, इसीलिए बेदी चोग्याल की शर्त को मान लेते हैं और उसका साइन किया हुआ लेटर ले तुरंत इंडिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। As also the Sikkimese Joint Council of Action, formed of political parties protesting against the elections, appealed to India to enforce law and order. Negotiations between the Chogyal and the Joint Council of Action failed, and a mammoth crowd marched on Gangtok. इसी के साथ RNDW और भारत सरकार का पहला उद्देश्य पूरा हो जाता है। आज से सिक्किम का प्रशासन भारत सरकार के नियंत्रण में था। यहाँ पे हमने 30 मिनट 35 पे छोड़ा क्योंकि अभी भी 16-17 मिनट की बाकी है। ज्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। हाँ, बहुत लॉन्ग हो जाते हैं अगर हम इसी में पूछते तो, क्योंकि हमने पार्ट वन अगर हमने आई गेस 20 मिनट का बनाया है। हाँ, 20 मिनट का बन चुका है तो इसमें भी ये भी अप्रोक्स 20 मिनट 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है। बोलो क्या क्या बोलना है, कैसा था? इंटरेस्टिंग चल रहा है वैसे। अच्छा था वो चोग्याल का जैसे दिखाया था कि वो मतलब अलग देश बनाना चाहता था सिक्किम को और उस समय कैसे RNDW एक्टिव होकर के वहाँ पे लाइक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था वहाँ पे ओपोजिशन को लाइक वो JAC जो ओपोजिशन दिखाया था ओपोजिशन का यूनाइटेड ग्रुप उसमें अनलिमिटेड जैसे फंडिंग चल रही थी RNDW की कि वहाँ पे अनरेस्ट ले आए मतलब वहाँ पे प्रशासन बिगड़े ताकि उसके ऊपर प्रेशर आए सरकार के ऊपर। काजी जो ओपोजिशन लीडर था उनका उनको मतलब एक साथ ला दिया था JAC के अंदर में और जो पैसों के लाइक
फंडिंग हो रही थी, हजारों की भीड़ को लाखों में कर दिया था किसी भी देश में, लाइक अपना मतलब प्रशासन का ऐसे बोलते हैं। आरएनएडब्ल्यू का उसमें भी था बांग्लादेश में, अभी जनवरी में इलेक्शन है ना बांग्लादेश में, अभी बोलते हैं अभी से कुछ और नहीं है, अफवाहें ना फैलाएं। अभी नहीं मतलब शेख हसीना जैसे वहाँ पे जो अभी बाकी पीएम है बांग्लादेश की, वो जैसे इंडिया प्रो अमेरिका है, इस केस में चाइना उनके अगेंस्ट है, वो जो वो बेगम है जो वो दूसरी ओपोजिशन लीडर है उनकी, बंजारू बेगम समथिंग ओपोजिशन लीडर, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो लीडर है बीएनपी की, ये आवामी लीग की है जैसे। लेकिन इसमें जो 72 का एक दिखाया था ना, वो कुछ क्या दिखाया था 72 का संधि साइन करने के लिए, वो किसका से कम का था ना शायद, हां वो इंडिया चाइना 71 शायद बांग्लादेश का होगा, 72 था शायद, हां तो बांग्लादेश सिक्किम सिक्किम का होगा, सिक्किम जब भारत अवला से प्रेशर है जब साइन किया होगा। आई थिंक इसमें उस बंदे को मतलब चाइना से मदद मांगनी चाहिए थी, ज्यादा बेटर होता क्योंकि मतलब अमेरिका को लाइक उसने मतलब पॉलिटिकल टैक्टिक्स उस पे भी थी कि हर एक के ऊपर चेक करके उनकी कमजोर कड़ी का जैसे पता लगा सीआईए वाले का कि उसका पुलिस केस हो रखा है एक लड़की के साथ, मतलब केस सेटल कर रखा है उसने तो केस वापस से खुल सकता है, तो उसका करियर भी खराब हो जाता तो बचाने के चक्कर में। गाइस इसका थर्ड पार्ट भी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आई गेस आपने हल्दी घाटी की वीडियो करने के लिए बोला है, उसकी बहुत मतलब डिमांड है, वो नहीं वो एक ही बोल रहे तब से बोल रहे हैं, उस पर आज करेंगे। तो अगर आपको और कोई वीडियो आपको हमें सजेस्ट करनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टा पे आप डीएम कर सकते हैं। तो आज के लिए मतलब अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आ रही है, जब तक के लिए जय हिंद।